वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो विजिटर्स हमारे पास होते हैं, वैसे तो हम लोग पोस्ट डालते रहते थे या वीडियो डालते रहते थे कि कस्टमर विजिट है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। एक हम कस्टमर रिव्यू का भी हमने सीरीज शुरू करा है ताकि आप लोग के लिए, ग्राहकों के लिए, भाई जो चीज़ें हम बताते हैं वो तो आपको समझ आती हैं, लेकिन अगर कोई ग्राहक जो ऐसे हमसे मशीन ले जा चुके हैं, फिर दोबारा आए हैं या पहली बार ले जा रहे हैं, तो उनका कोई रिव्यू नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास एक ग्राहक ऐसे हैं, हमारे बंगाल के बहुत अच्छे ग्राहक हैं, काफ़ी पहले हमसे मशीन एक ले गए थे, अब ये आए हमारे पास दोबारा मशीन लेने। तो सर से जानेंगे कि कौन सा मशीन ये पहले ले गए थे, अब किस मशीन के बारे में जानने आए या लेने आए। ये जो पीछे आप मशीन देख रहे हो ये इन्हीं के लिए तैयार हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होने थे तो वो हो रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और नाम के बाद आप बताएंगे कि पहले कौन सा मशीन ले गए थे। वैसे पहले जो हम मशीन लेकर गए थे 22 HP के साथ। आप पहले अपना नाम बता दीजिए और वेस्ट बंगाल में कहाँ से आते हैं? वेस्ट बंगाल के, हमारा नाम है शेख अब्दुल खालिक खड़गपुर, ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है पश्चिम मिदनापुर कलकत्ता। अच्छा अच्छा, इसके पहले जब आप हमसे पहली मशीन ले गए थे तो वो कौन सी वाला, किस तरह का मशीन था? वो टावर वाली मशीन थी 22 HP। अच्छा। इंजन के साथ। हाँ। अच्छा, मतलब ये इसी तरह का मशीन था, टावर वाला मॉडल ये भी है और 22 HP इंजन इसमें भी लगाया गया है, तो कुल मिलाकर वो उस मशीन से संतुष्ट हैं आपके, वो मशीन बढ़िया चल जी जी वो मशीन बढ़िया चलती है, उसी से हम 450 फीट तक बोरिंग करते हैं और पाइप भी 400-425 फीट 8 इंची 10 इंची पाइप भी उतारते हैं। अच्छा, इससे बढ़िया काम होता है। हाँ चलिए, बढ़िया है। देखिए हम लोग इस मशीन को 400 फीट तक की कैपेसिटी के लिए ही बताते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो तो आपको अंदाज़ा लगता है मशीन का एक्चुअल कैपेसिटी। और ये जगह जगह पर, मैं फिर कहूँगा कि ये जगह जगह पर अलग अलग हो सकता है, जैसे कहीं पर ये 450 फीट जा रहा है तो कहीं पर ये 400 भी लिमिट रह सकता है या 10-20 फीट कम भी हो सकता है। तो बोरिंग का काम आपको ये संभाल के देखना है कि ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग फॉर्मेशन पे जो है आपका आउटपुट और मशीन का कैपेसिटी अलग अलग हो जाता है। तो आप कितना पहले मशीन ले गए थे, वो कितने साल हो गए उसको? मशीन ले गए थे 3.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 21 जनवरी में लेकर गए थे। हाँ, तो कुल मिला के आप जो है जनवरी के बाद तीन साल बाद आप 2024 है और फरवरी हो गया, तो लगभग 3 साल हो चुके हैं उस मशीन को। फिर भी सामने साल और एक मशीन ले जाने का उम्मीद है मेरे को। हाँ, तो अगले साल, जी जी अगले साल का प्लानिंग सर का है कि फिर से मशीन एक ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या है ना कि अच्छा काम हो रहा है तब तो लोग ले जा रहे हैं, तो ये बढ़िया है। और अभी इस मशीन में आपके उसी मशीन लगभग वही है सारा, उसी तरह का मशीन है ये भी, इसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन समय के साथ जो बदलाव होते रहते हैं मशीनों में वो तो होंगे ही। तो ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर आगे कैसा लगा, पहले 3 साल पहले जब आए थे और आज आप आए हैं तो क्या क्या आपको बदलाव मिला यहाँ पे फैक्ट्री में? हमारे फैक्ट्री ठीक ही है। अच्छा, सब कुछ सही है और फैक्ट्री का जो आप लोग जो मालिक है वो मालिक खूब बढ़िया है। चलिए, मालिक लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है। चलिए, रुकने के लिए आपका सब व्यवस्था यहाँ पर हो जाता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता? नहीं, वो तो नहीं, रहने के लिए हमारा रूम सब मिलता है, मालिक का सब कुछ सही है, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया बात। सर आप भी कुछ बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप जो बोले वो बात सही है, और क्या बोलेंगे हम जी। ठीक है, तो शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि आप बंगाल से हमारे पास आए, हमसे मशीन लेते हैं और दूसरी मशीन ये इनकी जा रही है, इसके बाद एक और मशीन के बारे में प्लानिंग है अगले साल तक। तो ठीक है, इससे क्या है कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि लोगों को भरोसा हो, आपको भरोसा हो, हमारे दर्शकों को भरोसा हो, हमारे ग्राहकों को भरोसा हो, क्योंकि क्या होता है ना, सोशल मीडिया ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग जो जिनके पास मशीन नहीं है, मैं कई बार ये देखता हूँ कि जिनके पास मशीन जिन्होंने खरीदी तक नहीं है, जिन्होंने मशीन हमारे पास देखी तक नहीं है, वो भी सोशल मीडिया में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो भाई हम 25-30 सालों से इस फील्ड में 25-30 सालों से काम कर रहे हैं, हमारी पिछली पीढ़ी से ये बिज़नेस हो रहा है,
तो जब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, मशीन चला के काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तभी जो है वो हमारे पास दोबारा तीसरी बार, चार बार, इवन हमारे कुछ कस्टमर हैं जिनके पास हमारी 5-5 मशीनें हैं। 2-3 ग्राहक तो हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास हमारी 15-20 मशीनें हैं। तो क्या है कि जब लोग संतुष्ट हैं और खुश हैं, सब कुछ उनको सर्विस अच्छी मिल रही है, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, तभी जो है हमारे पास आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस को ध्यान में रखिए, बिल्ड क्वालिटी हमारे आप, मैं सबको हमेशा ग्राहकों को दर्शकों को बोलता हूँ कि एक बार आप जो है विजिट करिए। मैं नॉर्मली सामने आता नहीं हूँ वीडियोस में, लेकिन है क्या कि जब बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं मार्केट में जो है मशीनों का रिव्यू करने आ जाते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के नाम पे शायद ही मतलब जो भी पता हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इस मशीन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वैसे वो कितना टेक्निकल हैं, टेक्निकल तो उन्होंने लिख रखा है अपने चैनल पे या कहीं भी, अपने आप को टेक्निकल दे रहा है, मशीन की पूरी जानकारी बता दे रहा है, सारी चीज़ें कर दे रहा है, तो कितना सही बताएगा कितना गलत बताएगा ये आप तब समझोगे जब जो है आपको सही जानकारी आपको एग्जैक्ट कोई देने वाला मिलेगा। तो इस तरह के मैं वीडियो बनाता रहूँगा, रिव्यू वीडियो के साथ साथ जो भी कमेंट सोशल मीडिया पे आते हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो में बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, किसी और दूसरे नए ग्राहक के साथ में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।